हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9, हम लोग देखते हैं कि साइंस, हमने इसके पहले दो लेक्चर डाला है साइंस के ऊपर। साइंस में हम लोग फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को हम पिछले लेक्चर से कोरिलेट करते हैं। हमने इसके पहले क्या किया है, मोशन पढ़ा है। अब मोशन को यहाँ पर हमने दो पार्टों में डिवाइड कर लिया था, एक लीनियर मोशन और दूसरा नॉन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन, तो सबसे पहले हम लोग लीनियर मोशन को स्टडी कर रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताया था। अब लीनियर मोशन को भी हमने डिवाइड कर लिया है टू हेड्स में। इसमें हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन लीनियर मोशन को दो हेड्स में डिवाइड किया गया है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने स्पीड पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, उसी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिस्कस हुआ। अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आज का लेक्चर अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग इसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है डेफिनेशन, इफ ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मींस यदि गतिमान वस्तु इक्वल टाइम इंटरवल्स में समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उस वस्तु के मोशन को हम लोग असमान गति कहेंगे। जैसे मान लेते हैं ट्रेवल करने वाले जो ऑब्जेक्ट है वो पहले एक सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले वाले एक सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले वाले एक सेकंड में फिर से वो 2 मीटर की दूरी तय करती है।
तो हम देख रहे हैं अगर ये पहला वाला कोऑर्डिनेट लिखा गया है, अगर ये टाइम के लिए है, दूसरा वाला डिस्टेंस के लिए है, तो हम देख रहे हैं कि जो टाइम है वो सब में सेम है या इक्वल है, और जो डिस्टेंस है यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 मीटर है, यहां पर 1 मीटर है, फिर यहां पर 2 मीटर है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस में वेरिएशन हो रहा है, मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं। तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग एक कर्व प्लॉट कर लेते हैं डिस्टेंस और टाइम में। ये हमारा टाइम एक्सिस सेकंड में ले लेते हैं, और ये है हमारा डिस्टेंस एक्सिस, इसको हम मीटर में ले लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, यहां पर हम सेकंड को इंडिकेट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से मीटर को भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो हम देखें कि जो ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ में ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं 1, 2, 1 यानी कि टाइम एक्सिस पर 1 और डिस्टेंस एक्सिस पर 2। टाइम एक्सिस पर 1, डिस्टेंस एक्सिस पर 2, यानी कि ये पॉइंट हम लोग टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, और इसी तरह से डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल में भी एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट क्या है, 1, 2। ठीक इसी तरह से हम 1, 1 के लिए भी यहां पर देखें पॉइंट क्या होगा, मीन्स अगले वाले 1 सेकंड में अब जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। तो अगला वाला 1 सेकंड यानी कि यहां से यहां तक, तो हम डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल में एक डॉटेड लाइन खींच लें। ठीक इसी तरह से यहां पर फिर से टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच लें, ये पॉइंट हमारा यहां पर है। फिर हम 1, 2 के लिए देखें, मीन्स अगले वाले 1 सेकंड के लिए, तो अगला वाला 1 सेकंड यहां से यहां तक है, तो यहां से हम ऊपर की तरफ एक डॉटेड लाइन खींचें, और लाइन कुछ इस तरह से होगी। ऐसे ही यहां पर इसके आगे 2 मीटर यानी कि 3 से 5, 5 से होती हुई एक टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींचे, वो लाइन ये मीन्स वो पॉइंट क्या है, कुछ तिरछा हो गया है, वो पॉइंट ये है। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है। ये पॉइंट्स क्या है, 1, 2 के लिए, ये पॉइंट 1, 1 के लिए, फिर ये पॉइंट 1, 2 के लिए, इनको हम मिलाएं, ये फिर ये इसके बाद यहां पर अगर हम लोग कर्व को देखें तो ये जो कर्व हमें मिल रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं, लीनियर नहीं। अगर कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब जो इसकी स्पीड है वो चेंज हो रही है, इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन में देखा था, जब उसमें कर्व प्लॉट किया था तो एक स्ट्रेट लाइन मिला था, वहां पर जो कर्व मिला था एक स्ट्रेट
लाइन मिला था। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है। अब कर अगर हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब जो मोशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जबकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हम कर्व प्लॉट करेंगे डिस्टेंस और टाइम में वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। चलिए तो जब यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मोशन हमारा यूनिफॉर्म था, मींस इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही थी, तो उसमें हम लोग सिंपली स्पीड निकाल लेते थे। चाहे जिस पॉइंट पर हम देखें जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट की वो सेम होगी। भाई स्पीड को हम तीन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होगा सिंपली स्पीड, दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और तीसरा एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि हम जैसे बाइक चला रहे हैं तो हम अपने स्पीडोमीटर को देखें उस समय जो हमें दिखेगा उसमें कि आपकी स्पीड ये है 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर जो भी होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, मतलब तात्क्षणिक चाल होगी, उसी क्षण की चाल होगी। लेकिन अगर हमने 10 किलोमीटर दूरी तय की है और हमारा मोशन यूनिफॉर्म है, एक समान है, तो उस 10 किलोमीटर की दूरी में चाहे जहां भी हम अपने स्पीडोमीटर को देखेंगे तो उसमें हमारा कांटा एक ही जगह पर रहे, तो उसमें जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो स्पीड के इक्वल होगा। अगर हम कुल तय की गई दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे तो वही हमें मिलेगा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड में मिला है। और एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड भी वहां पर वही होगी, यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड भी वही होगी। कुल तय की गई दूरी में कुल समय से हमें भाग देना है तो भाग देंगे तो हमें एवरेज स्पीड जो मिलेगा वो वही होगा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। लेकिन जब बात हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तो जो हमारा तात्क्षणिक चाल होगा, किसी क्षण हम देखेंगे हमारा स्पीडोमीटर 40 पे होगा, किसी क्षण 45 पर होगा, कभी 50 पर होगा, कभी 60 पर होगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। जब इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग होगी तो उसके लिए अगर कुल जैसे 10 किलोमीटर की दूरी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए जब हम उसकी चाल निकालेंगे तो केवल चाल से काम नहीं चलेगा, वहां औसत चाल निकालना होगा कुल दूरी में कुल समय से भाग देके। तो इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें क्या करना होगा, एवरेज स्पीड पढ़ना कि एवरेज स्पीड है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड डेफिनेशन लिख लें इसकी, एवरेज स्पीड इज obtained average speed is obtained by dividing total travel distance by total time taken, total time taken। एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, कुल चली गई जो दूरी होगी
उस दूरी में कुल, उस दूरी को तय करने में लिए गए कुल समय से जब हम लोग भाग कर देंगे तो एवरेज स्पीड हमें पता चल जाएगी। इसको फार्मूले के रूप में हम लोग लिख लें, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेक। ये हमारा फार्मूला है एवरेज स्पीड के लिए। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैच देखते होंगे आप लोग, तो मैच में रन रेट दिखाता है, एवरेज रन रेट होता है। जैसे 10 ओवर में कुछ दिखाया, 15 ओवर में कुछ दिखाया, 20 ओवर में कुछ दिखाया, तो वहां एवरेज रन रेट होता है। मान लेते हैं कि कोई मैच हो रहा है, उस मैच में 10 ओवर में 70 रन बने हैं। 10 ओवर में कितने रन बने हैं? 70 रन बने हैं। तो इस समय जो रन रेट दिखाएगा वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, कुल रन में कुल ओवर से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि जो एवरेज रन रेट होता है वो इसमें देखा जाता है रन पर ओवर में, रन पर ओवर में, तो रन पर ओवर में देखा जाता है, इसका मतलब कुल रन में कुल ओवर से भाग हुआ होगा। तो यहां पर एवरेज रन रेट क्या होगा, 70 रन अपॉन 10 ओवर। तो कितना हो जाएगा, 7 रन पर ओवर, ये रन रेट है। ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। अब इसमें जरूरी तो नहीं है कि सभी ओवर में 7 ही रन बने हों, लेकिन जो एवरेज है वो क्या है कि 7 रन प्रति ओवर। उसमें किसी ओवर में 10 रन गए होंगे, किसी में 5 गए होंगे, किसी में 15 भी गए होंगे, कोई ओवर मेडन भी रहा होगा, लेकिन जब हम रन रेट निकालते हैं तो क्या आएगा, 7 रन प्रति ओवर। इसी तरह से एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं कि एवरेज स्पीड क्या आएगा भाई। जो स्पीडोमीटर हमारा बताएगा, हमने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब भी हम देखेंगे तो वेरी करता रहेगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, जब एवरेज निकाल लेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा जो मोशन है वो इस दर से हो रही है, ये इतना मीटर पर सेकेंड की दर से हो रही है, वहां पर हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। इसी पर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड पर। न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट the average speed of that object। an object travel 16 meter distance in 4 second and then another 16 meter in 2 seconds, calculate the average speed of that object। means कोई गतिमान वस्तु है, वो पहले 16 मीटर की दूरी
चार सेकंड में तय करती है, फिर उसके बाद 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो उस वस्तु की औसत चाल क्या होगी ये हमें निकालना है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो आपको कि एवरेज स्पीड में हमने क्या कहा है, हाँ ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो कुल तय किए गए दूरी में हमें कुल समय से भाग देना है। अब यहां पर यह है कि आप कह सकते हैं कि ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म कैसे हुआ। अब यहां डिफिनेशन से अगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, आप कहेंगे यहां डिस्टेंस तो ये दोनों सेम ही है जबकि टाइम इंटरवल डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है टाइम इंटरवल डिफरेंट है। लेकिन ये देखिए कि पहले 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय हो रही है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय हुई होगी, 4 मीटर, और यहां पर 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय हो रही है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय हुई होगी, 8 मीटर। यहां पर 1 सेकंड में 4 मीटर और यहां पर 1 सेकंड में 8 मीटर, तो यहां पर क्या है, एक सेकंड में, एक सेकंड में, तो टाइम तो इक्वल हो गया ना, और तय की गई दूरी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, इसका मतलब यहां पर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। चलिए इसमें हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, तो फार्मूला आपका यही है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस क्या है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन टाइम, यहां पर 4 सेकंड है प्लस यहां पर कितना है, 2 सेकंड है, तो कितना हो जाएगा, 32 मीटर अपॉन 6 सेकंड। जब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.33, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर बटे सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड, तो उसकी एवरेज स्पीड जो होगी ये हो, तो आप समझ गए होंगे कि एवरेज स्पीड है क्या। इसके बाद हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में क्या किया था, स्पीड पढ़ा था और वेलोसिटी पढ़ा था, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे और एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी है क्या। चलिए अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसको भी डिफाइन कर लें, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given by the mean of initial velocity and final velocity in a given period of time,
एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हमें क्या करना है, मेन निकालना है यहाँ पर। और किसका मेन निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का। मीन्स जो गति करने वाली वस्तु है उसकी प्रारंभिक वेग दिया होगा और अंतिम वेग दिया होगा, इन दोनों वेगों का मेन निकालना है, मीन्स दोनों वेगों को जोड़कर उसमें दो से भाग कर देना। तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लें हम लोग, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू किसका मीन है, इनिशियल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम लोग u से रिप्रेजेंट करें और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करें तो u प्लस v अपॉन, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो ये फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी। ये फार्मूला तभी यूज होगा जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया हो, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया हो तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सीधे एवरेज जैसे निकालते हैं कि एवरेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वहां से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी। अगर इनिशियल और फाइनल नहीं दिया है तब, अगर दोनों दिया हुआ है तो वहां पर हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल ऐसा सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा एवरेज स्पीड भी निकालना हो और वेलोसिटी भी निकालना हो। तो आपने एवरेज स्पीड पढ़ लिया, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया। अब हम एक ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालने हैं। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, जो सिर्फ जॉब्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉक्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। अब इसमें दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है फ्रॉम ए टू बी एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम ए टू सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा रोड है। अब रोड का एक एंड क्या है, ए है, दूसरा एंड क्या है बी, और इस रोड की लंबाई कितनी है 300 मीटर। क्वेश्चन क्या है, जोसेफ जॉब्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी, पहले एंड ए से दूसरे एंड बी तक जाता है ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड, उसको यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा हुआ है 2 मिनट 30 सेकेंड, एंड देन टर्न्स अराउंड, यहां जाता है, यहां जाने के बाद वो फिर क्या करता है, घूम जाता है एंड जॉक्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, इसके बाद यहीं से
ये बैक होकर फिर क्या करता है 100 मीटर आता है। मान लेते हैं यहां तक, और ये पॉइंट क्या है, सी है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। इन अनदर 1 मिनट, और इस 100 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा हुआ है 1 मिनट। ठीक, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज, तो हमें एवरेज स्पीड और वेलोसिटीज निकालनी। अब हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, मींस पार्ट ए। ए क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या है, निकालते हैं। एवरेज स्पीड, पहला पार्ट है किसके लिए, ए टू बी के लिए। फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन चल, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है ए से बी के लिए 300 मीटर अपॉन टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। अब इस 2 मिनट 30 सेकेंड को हम लोग क्या करें कि सेकेंड में चेंज कर लें, क्योंकि यूनिट एक ही पद्धति में होनी चाहिए। तो इस मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे, 2 मिनट 30 सेकेंड इक्वल टू, मिनट को सेकेंड में करिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 2 × 60 सेकेंड 2 × 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड। अब ये चेंज हो गया, चलिए कुल कितना हो जाएगा, 6 × 12 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड यानी कि 150। टाइम कितना हो गया 150 सेकेंड। सिंपली डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 को कैंसिल करिए, 15 से 30 को काट दीजिए, तो कितना आएगा 2 मीटर/सेकेंड मीटर/सेकेंड। ये क्या है, एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। यहां देखिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो दी नहीं है, तो हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला लगाना है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चूंकि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की सीधी लंबाई कितनी है 300 मीटर, 300 मीटर, और टाइम भी वही है, मीन्स 150 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 मीटर/सेकेंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो स्पीड और वेलोसिटी हमने पहले भी बताया था कि सेम ही होगा। अब सेकंड पार्ट हम लोग इसका देखते हैं, मीन सेकंड पार्ट क्या है, फ्रॉम
ए टू सी, बी वाला पार्ट फार्मूला वही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, ए से बी तक जाने में 300 मीटर और फिर बी से सी तक आने में 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 मीटर प्लस 100 मीटर। टाइम यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा हुआ है 150 सेकेंड प्लस फिर यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा है 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ऐड कर लेते हैं 400 मीटर अपॉन, इन दोनों को जोड़िए तो 210 सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए इसको। चलिए इससे इसमें हम लोग भाग करते हैं तो 40 डिवाइडेड बाय 21 या हमने पॉइंट बढ़ाया या जीरो बढ़ा, 190 हो गया। अब लगभग 9 बार ये जाएगा तो 9 × 9 = 18 तो 190 189 नियर अबाउट हम लोग पहुंच ही गए हैं वहां, मीन्स 1.9 मीटर पर। ये हो गया एवरेज स्पीड। वेलोसिटी भी निकाल लें, एवरेज वेलोसिटी ए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट। यहां पर देखिए ए से सी के लिए, ए से बी के लिए कुल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर था और ए से सी के लिए इसमें से 100 मीटर क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, भाई हमें यही तो है, दोनों के बीच की सीधी दूरी यही है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये पूरी डिस्टेंस है 300 मीटर, इसमें ये डिस्टेंस है 100 मीटर, तो 300 मीटर में से 100 मीटर को माइनस कर दीजिए, मींस ये डिस्टेंस आएगा कितना 200 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर और टाइम तो वही है, यहां से यहां तक गया फिर यहां से यहां तक आया, तो टाइम क्या होगा, जो डिस्टेंस में टाइम है वो एवरेज स्पीड में टाइम है, वही टाइम यहाँ भी होगा यानी कि 210 सेकेंड। तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें, देखिए 200 है या इस तरह से, तो 20/21 मीन्स ये 0.9 में जाएगा, लगभग लगभग इक्वल ही है, तो ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये एवरेज स्पीड हो गया और एवरेज वेलोसिटी हो गया सेकेंड पार्ट के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको जब पढ़ाया था तो हिंदी में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई थी और साथ में साथ इंग्लिश में था ही, और यहाँ पर हमने केवल आज इंग्लिश में ही जो भी लिखा है इंग्लिश में ही लिखा है, तो हम आप लोगों के लिए PDF नोट प्रोवाइड कर देंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखे गए होंगे, और वहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इसके पहले जो पिछले दोनों लेक्चर थे, दोनों लेक्चर में हमने बोर्ड्स पर लिखा हुआ था, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से दोनों लेक्चर से अपना नोट्स बना लेंगे। आज का जो थर्ड पार्ट है इसका लेक्चर जो है नोट्स बनाने के लिए हम PDF से भेज देंगे आपके पास,
वहाँ पीडीएफ से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और वहाँ होमवर्क हमने कुछ दिया हुआ है, होमवर्क जो है दोनों मीडियम के बच्चे कर लेंगे और होमवर्क करके वो अपना रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ होती है या कुछ समझने में दिक्कत होती है तो यूट्यूब के चैनल, हमारा चैनल है रामपूजन प्रजापति के नाम से है, यूट्यूब के चैनल में आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पर लिख दीजिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।